गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंचुरा इंटरनेशनल स्कूल। सो आज हमारी मैथ्स की फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं, वो जल्दी से स्कूल में जाकर अपनी बुक्स बाय कर लें ताकि हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारी बुक है फोर्थ क्लास की, ठीक है, मैथ्स इन फोकस। ठीक है, सभी बच्चे पेज नंबर 9 को ओपन कर लें। हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो साथ साथ कंप्लीट होती जाए। सो सबसे पहले हम आज रोमन न्यूमरल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इन रूल्स फॉर फॉर्मिंग अ रोमन न्यूमरल्स सिस्टम देयर इज़ नो सिंबल और डिजिट फॉर ज़ीरो। जो ज़ीरो होता है वो रोमन न्यूमरल में नहीं लिखा जाता, ज़ीरो के लिए इसका कोई भी सिंबल नहीं होता। दिस सिस्टम हैज़ नो प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसमें कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता। द डिजिट्स ऑफ द लोअर वैल्यू आर प्लेस आफ्टर और बिफोर द डिजिट हायर वैल्यू। क्या होता है, जो लोअर डिजिट होता है वो हायर डिजिट के बाद लिखा जाता है इसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ लोअर वैल्यू इज एडेड टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डिजिट हायर वैल्यू। लोअर जो डिजिट होता है वो हायर डिजिट से सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए रूल्स को पढ़ते हैं हम। फर्स्ट रूल क्या होता है, रोमन डिजिट्स जो 1, 10 एंड जो 100 है, सी को हम 100 को लिखने के लिए हम सी यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, 10 लिखने के लिए इस क्रॉस को यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन बी रिपीटेड अप टू 3 times इन सक्सेशन ऑफ फ्रॉम द नंबर्स। जो 1, 10 और सी है जो, ठीक है, वो मैक्सिमम 3 times हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वी नो द वैल्यू ऑफ जो 1 है इसकी वैल्यू 1 है, जो क्रॉस है उसकी वैल्यू 10 है, जो सी है उसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1, 10 एंड सी आर एडेड। इनको हम ऐड कैसे करेंगे, जो 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, 1 को 3 times ऐड करेंगे 3 बन जाएगा। सो इसी तरह से सी है, सी की वैल्यू 100 को हम 3 times ऐड कर देंगे 300 बन जाएगा। इसी तरह से आगे हमारे पास 10 को हम जितनी बार भी ऐड करेंगे, मैक्सिमम 3 times हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 30 बन जाएगा। सो नेक्स्ट है, नो डिजिट इज रिपीटेड इन सक्सेशन मोर देन 3 times। कोई भी नंबर 3 times से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, डी पॉइंट क्या है हमारे पास, द डिजिट्स 5, एल हमारा होता है 50। ठीक है, और डी जो होता है 500 होता है, आर नॉट रिपीटेड। ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं होते। ठीक है, 550 और 500 ये कभी रिपीट नहीं होते। चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। आगे हमारा रूल नंबर 2, व्हेन अ डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट और आफ्टर अ डिजिट ऑफ द हायर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड एज। जब भी हम कोई छोटी जो वैल्यू है किसी बड़ी वैल्यू से राइट में लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो ऐड हो रही है उसमें। ठीक है, जैसे 5 के आगे क्या लिखा है, 1, इसका मतलब 5 और 1 ऐड हो रहे हैं, वो 6 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम ये सभी एग्जांपल्स हैं उसकी। आगे इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ स्मॉलर डिजिट आर ऑल्सो एडेड एज इंडिकेटेड इन रूल 1। जो स्मॉलर डिजिट की वैल्यू होती है ऐसे ऐड, 1, 1, 3 times आ रहा है, सो ये ऐड हो रहा है, 3 बन गया। इसी तरह से 10 + 10 ये 20 बन गया हमारा। ठीक है, 10 3 times ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये 30 हो गया। रूल नंबर 3, व्हेन अ डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट
और बिफोर अ डिजिट ऑफ हायर, जब भी कोई डिजिट हम जो छोटा डिजिट होता है बड़े डिजिट से पहले लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो छोटा डिजिट है बड़े डिजिट से माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ 1 5, ठीक है, 1 जो 5 से पहले आ रहा है इसका मतलब क्या है, 1 5 से माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है 5, यहाँ 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। रूल नंबर 4, इफ़ वी हैव टू राइट द नंबर बियॉन्ड 10, अगर हमने 10 से ऊपर कोई नंबर लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम। जैसे 12 लिखा है हमने, ठीक है, 12 लिखा है, क्या इसका मतलब है 10 प्लस 2, 20 लिखा है 10 प्लस 10, ठीक है। इन सभी नंबर जैसे 10 या 20 से बड़े नंबर लिखने हों तो उसमें हमने ऐड करना होता है। इसका बी पार्ट, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न नंबर्स हायर देन नंबर 40 आर आल्सो फॉर्म्ड। जैसे 40 से बड़े नंबर्स को हमने लिखना होता है तो क्या करते हैं हम, 50 से पहले 10 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें 3 ऐड कर लेंगे, इससे बन जाएगा हमारा 43, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी करने हैं। रूल नंबर 5 पढ़ लेते हैं, इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन ओवर द सिंबल डिजिट्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स वैल्यू ऑफ द रोमन न्यूमरल्स 1000 टाइम एज, ठीक है। जैसे हमने 15 लिखना है तो 15 को ऐसे लिखें हम, एक्स उसके बाद 5, ठीक है। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की और बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, हमें ये नंबर दिया होता है तो इसका हमने रोमन न्यूमरल लिखना है। 13 का रोमन न्यूमरल कैसे लिखें हम, ठीक है, पहले तो हम लिखेंगे 10, तो 10 के साथ कितने 3 लिख देंगे, ठीक है, इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, राइट द नंबर्स फॉर द रोमन न्यूमरल्स, हमें ये रोमन न्यूमरल्स दिए होते हैं और हमने क्या करना है इसका नंबर लिखना है, ये कितना है 7, यहाँ 7 लिख देंगे हम, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही होमवर्क है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने होमवर्क करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।